नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी चीजें। जब आप अपने घर से निकलते हुए ये कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका जरूर बनेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद वह कार्य आपका नहीं बनता और आप निराश होकर अपने सीधे फिर घर पर आते हैं, और उस निराशा को लेकर अपने घर पर बैठना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस निराशा भरे दिमाग से आपके घर के सभी सदस्यों पर उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जीवन पर भी बहुत लंबा असर पड़ता है। कभी कभी इंसान सोचने लगता है और सोचने पर हद तक मजबूर भी हो जाता है कि जिस कार्य को वह दिल से चाहता था और उस कार्य को वह कर नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप व्यवसाय के लिए कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं और आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं बन पाता, उसमें आपका नुकसान और हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय में कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट हो और आपको घर वापस दोबारा निराशा मुख से नहीं आना है, तो आप घर से निकलने से पहले, उस कार्य को करने से पहले अपने घर से कुछ उपाय करते हुए निकले। यदि आप ये उपाय अपनाएंगे तो आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं तो वह कार्य आपका जरूर बनेगा। तो आज जानते हैं कि वह उपाय है कौन से। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और वह कार्य में आपको सफलता मिले, तो यदि वह दिन सोमवार है तो आप अपना चेहरा दर्पण में देखकर जरूर लिख लें, और फिर ध्यान रखें कि आप घर से बाहर निकलते समय किसी और का चेहरा बिल्कुल ना देखें और अपने दर्पण को और अपने चेहरे को दोबारा किसी और दर्पण में ना देखें, क्योंकि जब आप अपने घर से उस कार्य के लिए सफलतापूर्वक निकलते हैं तो उसका प्रतिबिंब दोबारा शीशे में देखने से उसका उल्टा हो जाता है। तो आप अपने घर से निकलने से पहले सिर्फ अपना ही घर के आईने में देखें और फिर उसके बाद किसी भी और प्रतिबिंब को ना देखें। ऐसा करने से जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वह कार्य आपका जरूर बन जाएगा। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और वह दिन मंगलवार है, और यदि आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य बिल्कुल बन जाए, तो आप उस कार्य के निकलने से पहले, यानी कि घर से निकलने से पहले, आप अपने मुंह को मीठा करके निकले। अगर मिठाई नहीं है तो आप घर के गुड़ से भी अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। ऐसा करने से जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वह कार्य आपका जरूर बन जाएगा। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और दिन आपका बुधवार पड़ रहा है और चाहते हैं कि वह कार्य आपका बन जाए, तो आप घर से निकलने से पहले हरी पत्तियों को अपने मुंह में खाकर चलें, यानी मुंह में रखकर चलें। ऐसा करने से भी आपके घर से निकलने के बाद ही आपका कार्य जरूर सफल होगा और आपका कार्य बनकर ही होगा, क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने घर से ही कोई शुभ कार्य करके निकलते हैं तो आपके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आती। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो दिन पड़ता है आपका गुरुवार, तो आप गुरुवार को किसी कार्य को जरूर पूरा कर सकते हैं। यदि आप घर से निकलने से पहले सरसों के कुछ दाने अपने मुंह में रख लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन सबसे ज्यादा खास होता है। अगर आप सरसों के कुछ बीज हो, तिल हो या फिर सरसों के दाने अपने मुंह में रखकर निकलते हैं, तो ऐसा करने से आपके कार्य में जो भी बाधाएं आने वाली होंगी वह सभी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव का प्रकोप जब तक ही रहता है जब तक कि आप उनकी सेवा नहीं करते हैं। यदि आप सरसों के तेल से उनकी सेवा करते हैं तो ऐसा करने से शनिदेव जो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं होंगी उन सभी को दूर कर देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका कार्य बन जाए, तो आप सरसों के दाने मुंह में रखकर जरूर घर से बाहर निकले। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और किसी कार्य को करने के लिए ही निकल रहे हैं और आपका कार्य वह जरूरी है, आप चाहते हैं कि वह कार्य हो जाए और दिन पड़ता है आपका शुक्रवार, तो आप शुक्रवार के कोई भी दूध से बनी हुई चीजें घर से खाकर निकलें। दही हो सकती है या फिर बटर भी। यदि आप उन चीजों को घर से खाकर निकलते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो कार्य में बाधाएं आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएंगी और आपका कार्य जरूर बनेगा। आप यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि वह कार्य बन जाए, तो उसके लिए आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। अगर आप ऐसा करके निकलते हैं तो आपका कार्य जरूर बन जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।